हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल Spl Live Learning में स्वागत है। दोस्तों, जो हमने पिछली वीडियो ग्रीन स्क्रीन पर बनाई थी कि यूट्यूब में हम ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, तो इस पर कुछ बिहारी दुबे जी ने कमेंट किया था कि ये क्या होती है और इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ग्रीन स्क्रीन को बहुत ही नामों से जाना जाता है, क्रोमा किया, ट्रांसपेरेंट, क्रोमा, कई लोग तो इसे ग्रीन स्क्रीन बोलते हैं। जो ग्रीन स्क्रीन क्रोमा की थी, ये कुछ नहीं होता, ये एक बैकग्राउंड स्क्रीन होती है जिसका कलर ग्रीन होता है। आप पूछेंगे कि इसका कलर ग्रीन क्यों होता है, तो ग्रीन कलर इसलिए होता है ताकि बाद में उसे कोई और कलर या बैकग्राउंड या कोई इमेजेस या कोई वीडियो लगा सके। अगर मैं ये वीडियो ग्रीन स्क्रीन पर शूट करूं और अपने बैकग्राउंड में कुछ भी लगा सकता हूँ, एनिमेशन लगा सकता हूँ, कोई इमेज लगा सकता हूँ। इसका यूज ज़्यादातर हॉलीवुड मूवीज में किया जाता है। आज जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार पहाड़ों से घूमता है या ट्रेलर से चलना होता है या कुछ असिस्टेंट करता है जो बहुत खतरनाक होते हैं और इसमें जान जाने की चांस ज़्यादा होते हैं, तो असिस्टेंट को ग्रीन स्क्रीन पर की रहते हैं। आज जो मूवी रिलीज हो रही है, ज़्यादातर ग्रीन स्क्रीन पर शूट हो रही है। जो सुपर हीरोज की मूवी होती है वो ग्रीन स्क्रीन के ऊपर बनाई जाती है, फिर वे ग्रीन स्क्रीन को बनाकर उनके पीछे बिल्डिंग, पहाड़ वगैरह की फोटो लगा देते हैं या एनिमेशन लगा देते हैं। सुपर हीरो बहुत से गद्दों पर उपयोग होता है, लेकिन वो गद्दे का कलर हरा होता है, इसलिए इसको हटाकर उसकी जगह कुछ और लगा दिया जाता है ताकि लगे कहीं और पौधा है। अब बात आती है कि हम अपनी YouTube की वीडियो में उनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में दी गई बेल के आइकन को जरूर दबाइए। जैसे कि आप देख रहे हैं निचली साइड में जो ये एनिमेशन है, ग्रीन स्क्रीन की एनिमेशन है। जैसे कि हम कहेंगे कि आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, तो शेयर हम ग्रीन एनिमेशन लगा देंगे। अगर हम कहेंगे कि हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, तो हम लाइक की ग्रीन एनिमेशन लगा देंगे और बाद में स्क्रीन को हटा देंगे। बट ये हमारा लाइक का जो चीज़ दोस्तों, ये वीडियो के बारे में आपके कुछ सुझाव या सवाल हो तो हमें कमेंट्स में जरूर रहिएगा। अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स करना ना भूलें। और हम आपको अगली वीडियो में